नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज छावड़ी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोलीलिथियेसिस के बारे में बताऊंगा कि कोलीलिथियेसिस है क्या। पित्ताशय में पाई जाने वाली पत्थरी को हम कोलीलिथियेसिस या गैलस्टोन कहते हैं। पित्ताशय में पाई जाने वाली पत्थरी कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट एंड कैल्शियम साल्ट से मिलकर बनी होती है। पित्ताशय में पाए जाने वाली पत्थरी के अनेकों रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है जियोग्राफी। वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों में व अमेरिकन इंडियंस में पित्ताशय में पत्थरी पाए जाने की अधिक संभावना होती है। ब्लैक अफ्रीकन्स एंड ईस्टर्न वर्ल्ड के लोगों में पित्ताशय में पत्थरी बहुत ही कम पाई जाती है। सेकेंड रिस्क फैक्टर है एज। 50 से 60 ईयर्स के लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण इनमें गैलस्टोन होने की संभावना अधिक होती है। थर्ड रिस्क फैक्टर होता है सेक्स। मैन की तुलना में वुमेन में गैलस्टोन होने की संभावना अधिक होती है। फोर्थ रिस्क फैक्टर होता है ड्रग्स। जब वुमेन एस्ट्रोजन थेरेपी और बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है तो गैलस्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। फिफ्थ रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी। मोटे व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने के कारण उनमें गैलस्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। सिक्स्थ रिस्क फैक्टर होता है डाइट। फाइबर से युक्त भोजन की कमी के कारण व अल्कोहल के पीने के कारण गैलस्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। सेवन्थ रिस्क फैक्टर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। जिन लोगों में क्रोन डिजीज इलियल बाईपास सर्जरी होती है उनमें गैलस्टोन होने की संभावना अधिक होती है। अब मैं आपको इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बताऊँगा, यानी कि पित्ताशय में पत्थरी कैसे उत्पन्न हुई। गैलस्टोन की पैथोजेनेसिस 7 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल व लेसिथिन बाइल में सिक्रेट किए जाते हैं। जब ये बाइल एसिड्स में मिलते हैं तो इन्हें हम नॉर्मल मिक्स्ड मिसेलस कहते हैं। ईटियोलॉजी फैक्टर्स के कारण गोल ब्लैडर में HMG कोर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यह एंजाइम कोलेस्ट्रॉल के सिक्रेशन को बढ़ा देता है तथा 7-alpha-OH और MDR3 एंजाइम की एक्टिविटी घट जाने के कारण लेसिथिन व बाइल एसिड का सिक्रेशन कम हो जाता है। इन सभी को हम लिथोजेनिक बाइल कहते हैं, यानी स्टोन निर्माण करने वाला बाइल। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता व लेसिथिन और बाइल एसिड की कमी के कारण गोल ब्लैडर में बाइल सुपर सैचुरेशन में चला जाता है, यानी बाइल अति संतृप्त हो जाता है। प्रोन्यूक्लिएशन फैक्टर्स की अधिकता व एंटी न्यूक्लिएटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल फॉर्म में बदलने लग जाता है। इसे हम कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएशन कहते हैं। नॉर्मली कोलेसिस्टोकाइन एंजाइम की मदद से गोल ब्लैडर किसी भी तरह के मलबे को साफ करने में कैपेबल होता है, परंतु जब गोल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन की क्रिया चलती है तो गोल ब्लैडर में कोलेसिस्टोकाइन एंजाइम के रिसेप्टर्स की कमी आ जाती है, जिससे कोलेसिस्टोकाइन एंजाइम गोल ब्लैडर में नहीं आ पाता, जिसके परिणाम स्वरूप गोल ब्लैडर में मलवा जमने लग जाता है, जिसे हम बाइलरी मलवा कहते हैं। ये मलवा ही पत्थरी का रूप धारण कर लेता है। पित्ताशय में कई तरीके की पत्थरियाँ पाई जाती है, जिनमें से फर्स्ट है प्योर गैलस्टोन, सेकंड मिक्स गैलस्टोन और थर्ड कॉम्बाइंड गैलस्टोन। प्योर गैलस्टोन या तो कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है या बाइल पिगमेंट की बनी होती है या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। मिक्स्ड गैलस्टोन कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट और कैल्शियम कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। क्लिनिकली हम यह कैसे पहचाने कि हमें पित्ताशय में पत्थरी हुई है। 50% से अधिक केसों में सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, परंतु 10% केस में सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इन 10% केस में ही अनेकों कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं, जिसकी मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि पित्ताशय में पत्थरी हुई है। जब पत्थरी सिस्टिक डक्ट में फंस जाए तो यह पेन कर सकती है। यह पेन पेट के बीचों बीच आपकी नाभि के ऊपर हो सकता है और कभी कभी यह पेन राइट शोल्डर तक भी चला जाता है।
सिस्टिक डक्ट में पथरी पस जाने के कारण गोल ब्लैडर में सूजन आ जाता है, जिसे हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। जब पथरी बाइल डक्ट में पस जाती है तो हम इसे कोलिलिथियसिस कहते हैं। इसमें हमें बुखार, पीलिया, पेट दर्द आदि होता है। एलोपैथिक में पित्ताशय में पाई हुई पथरी को सर्जरी द्वारा निकाला जाता है। 15 से 20 mm की पित्ताशय की पथरी को होम्योपैथिक व आयुर्वेद दवाइयों से निकाला जाता है। और साथ ही साथ आप हर रोज खाली पेट 4 नींबू के रस को पिए। इस प्रक्रिया को एक हफ्ते तक अपनाइए, जिससे आपकी पथरी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तथा पत्थर चट्टे के पत्ते को खाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज छाबड़ी को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।